इसमें गवर्नमेंट को भी एक रिस्क है, लगे तो लगे नहीं नहीं लगे फिर मैं सोचा मैंने यार मैंने ये काम करता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो उसके बाद शादी हो जाएगी, फिर टेंशन ऐसे घर में कुछ है नहीं। फिर उसके बाद मैं सोचा मैंने यार थोड़ा काम करने के लिए बाहर चल देता हूं, फिर उसके बाद अभी यहाँ पे आया तो फिर रियलिटी में यार इतना पैसा भी कमा सकता हूँ। तो उसके बाद अब हाँ की मैं घर से कह सकता हूँ कि हाँ की मैं लाख रुपए भी कमा सकता हूँ। जब कंपनी में तो काम कर रहा था उस टाइम पे काफी कंडीशन ऐसी आई कि हाँ कि यार अब कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद एक रुपए भी जेब में नहीं था, पांच पांच रुपए का समोसे खाने के लिए भी तरसते थे। जब पांच पांच रुपए भी मैं रियल बता रहा हूँ मेरे फ्रेंड से लेता था भाई कि पांच रुपए तो दे दे यार को भूख लग रही है खाना तो खा लो। जो खाना खाता था उस टाइम पे ये सोचता था कि यार ये पांच रुपए नहीं खर्च करो ताकि ये रुपए अगले दिन काम हो जाए। तो उसके ऐसे ऐसे काफी दिन निकाले, दो मंथ हो गए, तीन मंथ हो गए, रोता था रोज कम से कम रियल था दो मंथ था तो कम से कम रोया था मैं कि हाँ कि यार अभी घर का ऐसा हो गया कि ना घर का ना घाट का। फिर उसके बाद जब फिर बाद मैंने सोचा मैंने यार चलो एक काम करता यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, फिर घर पे चला गया। फिर अब घर पे जाकर भी इंसान करेगा क्या, वही सिचुएशन सामने की हाँ कि यार अभी घर पे आ गया और फिर बोले कि पासवर्ड बोलते थे कि हो गए काम, इतने काम करने के लिए गया था कब। फिर बाद में वापस आ गया, फिर मैं सोचा मैंने यार चलो जैसे तैसे कर ही लेते हैं। यहाँ पे घर से दबाव आता था रोज कि हाँ कि यार पैसे नहीं भेज रहे, पैसे नहीं भेज रहे, पैसे नहीं भेज रहे, पैसे भेजे कहाँ से, अभी खाने के रुपए नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब धीरे धीरे जैसे प्रोसेस हुई तो प्रोसेस उठाने के बाद में अब जैसे 30,000 का भी चेक आया, 40 का भी आया और आज 50-55 का भी चेक आया और आने वाले टाइम में लाखों का। ये सोच रहा था कि यार कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक पर्सन की याद आ गई थी, उसने बोला था कि भाई जब सारी चीजें जब तू सारी चीजों से थका जाता है उसके बाद कुछ भी नहीं होगा ना, तो एक आवाज दूर से आएगी उनको सुनना यार कि हाँ कि एक कोशिश नहीं, तो वो कोशिश मैंने की उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे तो काफी सारी कंडीशन है, जैसे हर पर्सन सोचता है कि यार गिरता है पड़ता है, लेकिन काफी बार धीरे धीरे अपने सफर में वो पहुंच ही जाता है। जैसे मेरे को यहाँ पे पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ है मिस्टर ध्रुव जी का है। उससे पहले बात बनाने से पहले मैं अभी मैं जिस समझो यार क्या जिसकी बात कर रहा था वो सीनियर ही है माने रमेश जी। अभी पता है मैंने बोला था थोड़ी देर में अपने आप कम हो जाएगा।
अभी देखो आपको देख के अंदाजा लगा सकते हो और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये इंसान यहाँ पे खड़ा है आज, तो ज्यादा नहीं देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पे खड़े होने में भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लग रहा है ना? Yes. लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कभी लगा था कि आप इस जगह पे खड़े हो सकते हो? नहीं, समझ में आया? Yes. मैं इसे गलत वे में मत लेना, वैसे इंसान के अंदर और अच्छी मुझे गोली सारे अपने उसके खुद के अंदर होती है, बट एक प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, समझ में आ रहा है? Yes. ताकि मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इनसे थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पूछना चाहता हूँ, आपका स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। बढ़िया तो ठीक है, हुआ कैसे, आए कैसे और चलो ठीक है, हमारे सिंगर के आर्मी कसम से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है, बुलेट ट्रेन में नहीं भागने वाली, कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, मुझे इंटरेस्ट आ रहा था उस बात में जो राजू सीनियर बता रहे थे। कंटिन्यू करो सीनियर, खड़े रहने में रमेश सीनियर कोई दिक्कत थोड़ी ना, बस खड़े रहो, कंटिन्यू। देखो कहने का मतलब है कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा कामयाब हो ताकि उनके लिए फ्यूचर में वो भी कुछ करे, ठीक है? तो हर माँ बाप ये सोचता है कि चलो जरूरी नहीं है चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से करे, हर क्षेत्र में काफी क्षेत्र है कंसल्टेंसी में भी जाके ऐसा पैसा कमा सकता है, कहीं पे भी जाके, जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट जॉब से करते तो किसी क्षेत्र में जाके लगन होनी चाहिए पर्सनल में। तो वही कंडीशन है कि मेरे रिश्तेदार भी पापा ज्यादा सबसे ज्यादा मेरा हाथ है यहाँ पे पहुंचने में रहा मेरे चाचा जी का, क्योंकि वो हमेशा ताने मार से रहते थे कि यार मेरे पापा से कि तेरा बेटा कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है वो तेरे को डुबा के छोड़ देगा। तो यही बात मैं सोचा, मैंने यार कहने दो जो भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आज कब तक कहेंगे, कभी ना कभी तो मुंह बंद ही होगा। तो उसके बाद जब यहाँ पे आया था फिर जैसे ही सिचुएशन जैसे हुई तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये कुछ भी नहीं करेगा, फिर मैंने सोचा यार चलो ये बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं बोलने दो। फिर जैसे मैंने पापा से बोला कि 20 साल तक तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं पहले ही बोल रहा था कि 20 साल तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा और रही आने वाले 20 साल तो 20 साल में इतने स्ट्रगल करूंगा ताकि यार जो पड़ोस वाले भी ना बोले कि हाँ कि यार बेटा हो तो ऐसा हो। देखो हमारे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं भगवान का रूप मिल ही जाता है, तो मेरे को एक पर्सन मिले थे जो तुम गुरु जी हैं, वो तो भगवान का रूप भी मानता हूँ मैं, जिस पर्सन की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। का बहुत सारे पर्सन है जो स्ट्रगल करते हैं लेकिन काफी बार होता है कि चांस मिलता है लेकिन चांस के साथ साथ में ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलता जो उसको आगे तक ले जाए, लेकिन किस्मत की बात यह है कि मेरे को चांस मिला, ऐसा पर्सन मिला जो हर मुश्किल पे मेरे साथ में खड़ा रहा, जब भी कोई मेरे को अगर प्रॉब्लम होती थी तो ताकि हर कदम से कदम साथ मिला के मेरे साथ में चले, तो उन पर्सनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये तो बात सच है कि अगर कोई पर्सन या फिर किसी बेटा अगर सक्सेस हुआ तो बेस्ट उसके माँ बाप के हाथों से लगाए, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि राजू 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 राजू